महाराष्ट्र की बात करेंगे जहां पर सियासत का महादंगल चल रहा है, तो उपचुनाव के नतीजों पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बता दें कि 3 लोकसभा सीट और 7 विधानसभा सीटों पर जो वोट्स हैं उनकी गिनती चल रही है। यूपी में रामपुर और आजमगढ़ में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। दरअसल आजमगढ़ में काउंटिंग शुरू होते ही हंगामा भी शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव ने काउंटिंग सेंटर पर नहीं जाने देने का आरोप इस दौरान लगाया, जिसके चलते यहां पर हंगामा हुआ। तो पहली तस्वीर आप महाराष्ट्र से देख रहे हैं जहां पर सियासत लगातार जारी है, महादंगल। ट्वीट सुबह सुबह यहां पर किया गया और गुवाहाटी में कहा जा रहा है कि जो बागी विधायक है, जो उनका स्टे है, उसको और बढ़ा दिया गया है और 12 बजे एकनाथ शिंदे बैठक भी करने वाले हैं। जो अयोग्य ठहराए जाने की बात सामने आ रही है बागी विधायकों की, उसको लेकर ये बैठक होने वाली है दोपहर 12 बजे।